आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर मुख्य विकल्प के तौर पे उभरी है। आज जेजेपी, इनलो, बीएसपी सारी पार्टियां धरातल से खत्म हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी से ये प्रदेश की जनता नफरत करती है। अब विकल्प के दौर के अंदर आम आदमी पार्टी आ रही है। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार सरकार का गठन करेगी। हरियाणा के अंदर भी दिल्ली जैसे अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, 24 घंटे बिजली पानी मुफ्त, जवान को, शहीद को शहादत पे 1 करोड़ का सम्मान राशि, किसान का सम्मान, महिला का सम्मान है, मुक्त वातावरण व्यापारियों के लिए, कानून के राज को स्थापित। लोकसभा चुनाव आपने लड़ा था और अब की बार जब उसमें अच्छे वोट मिले थे, लेकिन अब भी अब की बार क्यों नहीं लड़ना चाह रहे विधानसभा में? मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। पार्टी ने जब मुझे कुरुक्षेत्र लड़ा तो मैं कुरुक्षेत्र लड़ा, ईमानदारी के साथ लड़ा। 13,000 वोट और मिल जाते तो मैं भी जीत जाता। 5,13,000 के ऊपर मुझे वोट मिली। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होने के नाते मुझे इतनी वोट मिली कि इनलो, जेजेपी, बीएसपी के 30 कैंडिडेटों को पूरे प्रदेश में मिला के उतनी वोट नहीं मिली। उनसे मेरे को 1.5 लाख ज्यादा वोट मिले कुल मिला के, उनके सारे वोटों को मैं टोटल कर दूँ। तो उस चुनाव के अंदर इस प्रदेश की जनता ने तय कर दिया था कि हरियाणा में विकल्प आम आदमी पार्टी। उस चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों पर खड़ा कर दिया। अभी गठबंधन की बात की तो जिस तरह से अभी भी विधानसभा चुनाव में गठबंधन की बात चल रही थी, लास्ट तक नहीं हो पाया, क्या मानते हैं? रात गई बात गई, अब वो बात पुरानी हो गई। अब आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर लड़ रही है, ताकत से लड़ रही है सरकार। अनिल विज का बयान आया कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। पहले विधायक तो आए, उनके 2 डिजिट में विधायक नहीं आ रहे, तो कुछ है नहीं, उनका खत्म हो चुका। अब चौटाला कह रहे हैं कि अब की बार जो है वो प्रदेश में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अभय चौटाला जी का सिंबल बचा लें, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।